अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए घोड़े आए थे मेरे घर के पास, ये पड़ोस में ही रहते हैं, इन्हीं के घोड़े हैं ये। इनको नहलाने के लिए ले आए थे इन लोग, तो हुनैन इतनी ज़िद करने लगा, अम्मी मुझे भी बैठना है घोड़े पे, मुझे भी बिठाओ ना, बहुत रो रहा था ये। देखो कितनी ज़िद कर रहा था बस, और बैठे तब देखिए अब आगे क्या होता है। ये तो बैठ गया और बाद में हमारी हवा टाइट हो गई। ये देखिए हुनैन, अरे लल्लो अल्लाह, घोड़ा गिरा ही देता था बस अगर वो पकड़ता नहीं। ये देखो घोड़े फ्रेश होके जाने लगे। ये हसनैन और हुनैन है, शाम में टाइम पास ही नहीं हो रहा था इन दोनों का। ये हमारे गांव में बनता है, इसे तंबाकू की पूड़ी बोलते हैं, ये बनाते हैं। और मुझे भी बहुत शौक है बनाने का, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ। ये 1000 बनाना पड़ता है 35 रुपये का खाली। ये देखो हसनैन और हुनैन राउंड मार रहे थे, हसनैन बार बार अंदर बाहर करते रहता है। ये देखिए ये अब उसको चलाना सिखा रहा था हसनैन, हुनैन को बैठा रहा था साइकिल पे। दोनों भाई भाई की बनती नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ही परेशान कर रहा था और घोड़े पे बैठ के डर गया था, तो इसके लिए हसनैन को बोली। ये मैं भी ट्राई करने के लिए बैठ गई थी कि मुझे आता है कि नहीं वापस। हम लोग कभी नहीं बनाई है, पड़ोस में बनता है तो मैं कभी कभी देखते बैठती हूँ, तो ट्राई करी तो मुझे आ ही गया। वो बहुत महंगा पड़ता है ये, बहुत 1000 3-4 घंटे बनाना पड़ता है। 1000 के लिए बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। ये जिसको आदत रहती है, हैबिट, वही बना पाता है। ये सबकी बस की बात नहीं है, बहुत ही मेहनत करना पड़ती है इसके लिए। 4 घंटा बैठो और फिर 35 रुपये ही मिलते 1000 बना के, बहुत मुश्किल है ये। हम लोग जा रहे थे शाम में पाव भाजी लाने के लिए, पार्सल, मुझे बहुत पसंद है पाव भाजी, इसके लिए ये हमें आया है। ये हम लोग पेट्रोल पंप खड़े थे जाकर पेट्रोल लाने के लिए। ये देखिए बस स्टैंड के सामने 40 रुपये। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, पीछे से आवाज़ दे देती, सही तरीके से कोशिश करती। ये है पाव भाजी की दुकान है ये। बहुत हैरान कर रहे ये बच्चे, बहुत शैतान। मुझे अभी भी सुकून से एडिटिंग नहीं करने दे रहे, हालांकि मुझे जानती नहीं। अल्लाह हाफिज़।